हेलो फाउंडर्स, तो आशा कर तो आप सब लोग बहुत बहुत एक्साइटेड है। जिस चीज़ का इंतज़ार था 4 साल से, तो उसी का एक क्या बोले हम, एक गोल पर पहुंच रहे, एक दिशा देख पा रहे हम, एक डेट मिले हैं हम सभी को। आप सब लोग क्लियर हो गए हैं कि क्या बात हो रहा है। अभी जो एस सर का वीडियो, उसके बाद धीलोन सर का कल के अपडेट सेशन, जिसने नहीं देखा मैंने बोलूँगा कि ठीक है, आपको एस सर का वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो धीलोन सर का अपडेट सेशन जरूर देखना, ठीक है। उसमें क्लियर है दैट वी आर लॉन्चिंग, वी आर इन लॉन्चिंग। आपने वीडियो भी देखा है दुबई का मार्केटिंग का। इसके बाद धीलोन सर ने आगे क्लियर कर दिया। एस सर क्लियर करने के बाद तो अभी सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अभी नवंबर 20, द डेट इज हियर नवंबर 20, तो उसके पहले पहले सब कुछ हो जाना है। मैं दो तीन चीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इस देखो, तो इससे पहले मैं हूँ दीपन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपन ऑन पैसिव पर है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा आपको ऑथेंटिकेट पॉइंट मिलता है, हमेशा आपको एक्चुअल जो चीज़ है वही मिलता है। आप जिसी ने लगभग कल के 5000 के ऊपर, 5200 के करीब मेरा वो कल का अपडेट सेशन का व्यूज़ आया है, तो सभी ने देखा कि जो चीज़ हुआ है, जो चीज़ बोला है, वही एग्जैक्ट वही चीज़ मैंने बताया है इस वीडियो के माध्यम से। और पीटर सुरु सर का अपडेट भी जिसने पढ़ा देखा है, एग्जैक्ट जैसे जैसे पैटर्न में अपडेट आया वैसे वैसे मैंने भी अपडेट दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ऑथेंटिकेट न्यूज़ हमेशा देता हूँ, आपको एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ। तो चलिए पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ये है, पहले प्रोडक्ट पैकेज की इंपॉर्टेंसी। तो देखो, प्रोडक्ट पैकेज तो आप कभी भी खरीद सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप लॉन्चिंग होने से पहले खरीदो, बाद में खरीदो, उसके बाद में खरीदो, लेकिन खरीदना बहुत ज़रूरी है ना। और वो अगर चाहे तो आगे खरीदना और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहने की पैसा देना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ऊपर नीच 2 दिन चाहे 10 दिन ऊपर नीच होता है, किंतु मैं बोलूँगा अभी भी आपके पास वक्त है। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 2 महीने के ज़्यादा आपके पास टाइम है। तो अभी से थोड़ा बहुत बचाना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं है तो। अगर बचा के रखा हुआ है एग्जैक्ट अमाउंट तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना हो सके आप एक अमाउंट रखना या सेव करना स्टार्ट कर दो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके इंपॉर्टेंस ही मैं बाद में बताऊंगा। एक छोटा सा पॉइंट आप जानते हो, कहने कल धीलन सर ने भी ये बोला है कि अगर सभी लोगों ने सोचता है कि बाद में करूंगा, पहले देखने दो कितना आया, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग करेंगे तो एक रिदम बनेगा, एक फ्लो होगा, ठीक है। आपका ज़्यादा टीम है, अगर ज़्यादा लोग नहीं करते तो सब कुछ आपको सही भी नहीं, कमीशन भी नहीं आएगा। तो सब लोग करते हैं, सबका कमीशन दिन, एक रिदम, एक फ्लो में कंपनी चलेगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तभी तो सबका फाउंडर लिंक जनरेट होगा, सब कुछ सही चलेगा। तो प्लीज़ ये कोशिश करो सभी ने, जब एस सर बोलेंगे उसके टाइम के अंदर अंदर, या मतलब लॉन्च से पहले पहले आपका प्रोडक्ट पैकेज बाय कर लेना, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरी पॉइंट और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, अभी इस जिस पल पर हम खड़े हुए हैं, ये बहुत मायने रखते हुए कि आप सब लोग ट्रैक हो रहे हो। तो प्लीज़ अब लॉगिन करो, आईडी को लॉगिन वॉगिन करो, 2-3 मिनट रखो वहाँ पे, जाओ 2-3-4 आईडी है तो 2 दिन, 1 दिन या 3 दिन के गैप गैप में वो लॉगिन करते रहो, टाइम मिले जब, तो ये सब चीज़ करते रहो। इसके अलावा जो एक बात सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी भी कल लगभग 60-70 कमेंट्स आए, जहाँ पे 5-6 कमेंट बहुत कम था, 5-6 कमेंट ऐसा नेगेटिव वाला था। तो मेरा भाई है, देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो कोई दिक्कत, मैं रिमूव कर देता हूँ जो ज़्यादा खराब बोलते हैं या गाली देते हैं, तो मैं उसको रिमूव या रिपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो वैसा फाउंडर नहीं चाहिए। अभी सभी देखो इतना ज़्यादा अच्छे बोला कल के, बहुत बहुत प्यार दिया अब सभी ने कमेंट्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा और भी 2-3 थे जो अभी भी बोल रहे हैं फेक है, कुछ नहीं होगा, फाउंडर्स गरीब होने के बाद ये सब होगा। तो देखो कल धीलन सर ने क्लियर कह दिया, अगर ऐसा कोई है जो फाउंडर है उसके ऊपर फिर भी वो नेगेटिव बोल रहा है, तो देखो मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं जस्ट स्क्रीनशॉट एंड लिंक लेके आपका नाम देके भाई लीगल टीम को भेज दूंगा, तब आपका बुरी हालत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो एक लिमिट तक ठीक है,
एक लिमिट तक ठीक है। आप इतने दिन तक बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत लोगों ने बोला पॉजिटिव बन जाओ बन जाओ, सभी ने बहुत ज़्यादा 95% लोगों ने पॉजिटिव, अभी भी 2-4% लोग होते हैं ऐसे, लेकिन हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो वो फाउंडर छोड़ दो ना, इतना दिक्कत है तो आप फाउंडर से रिफंड ले लो, उसके बाद आप जितना मर्जी जाए आप जितना जो दिल चाहे बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक फाउंडर हो, कंपनी का जिम्मेदारी फाउंडर हो, जो इंडिया से हो, देश का भी नाम खराब कर रहे हो, दुनिया में इतना ज़्यादा कंपनी उसका नाम करो, सोशल मीडिया भी एक बार लिखा हुआ तो सभी ने पढ़ पाया सभी ने देख पाया, कंपनी की तरफ से अगर आपका आईडी में कुछ गलत हो जाता है तो क्या होगा, है ना। अगर कंपनी ट्रैकिंग में भी आए, पहले भी बोला था ऐसा लगभग 2 महीने पहले कि आपका आईडी मतलब आप कहाँ पे जाके क्या करते हो, वो नेट पे जाके या फेसबुक या ऑफिशियल ग्रुप पे जाके या यूट्यूब के वीडियो में क्या क्या कमेंट करते हो सब कुछ ऐसा ट्रैक कर रहे, वहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम है हमारे पास, वो ट्रैकर खुद का सिस्टम है, तो आप ट्रैकिंग और क्यों कर रहे हो भाई, अगर इतना इतना टाइम हो गया 2-4 साल से आप वेट कर रहे हो, अभी जो एप्पल गिरने वाले आप गिरने के टाइम के पीछे ही आपका जो बाकेट है वो खो रहा है, ऐसा मत करो, टाइम है वेट करो, कुछ नहीं बोलना है तो कुछ मत बोलो, अगर अच्छा बोलना है तो नाइस थैंक यू ये सब बोल सकते हो, नहीं बोलना है तो नहीं बोलो वो भी अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत करो, ये आपकी भलाई के लिए है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। हाँ मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, किसी का बुरा मैं नहीं चाहता, एक छोटा कमेंट की वजह से मैं लीगल टीम को भेज दूंगा ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन एक हद तक ठीक है, आप प्लीज़ ऐसा मत करो, ये मैं नहीं करूँगा, पहली बात तो ये, किसी का मैं बुरा नहीं चाहता, वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लगभग 60 डेज बचा हुआ है, तो इसमें से किसका लीगल टीम में भेज के मैं क्या करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना मन से जो मन से करते रहो, अगर एस सर के आँखों में पड़ गए तो आपका तो बैंड बच जाएगा, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। तो जो भी है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोडक्ट पैकेज, ये लॉग इन और ये तीनों पॉइंट्स मिलाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला आता है वो है इवेंट्स। तो इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंस मार्केटिंग होने वाला है, आप देखोगे हैदराबाद में भी इवेंट एक है, इसके अलावा और भी इवेंट्स हर एक कंटिनेंट मतलब कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, तो न्यूजीलैंड एंड शायद बोला अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया छोड़ के एशिया यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये पांचों कॉन्टिनेंट में पेड एडवर्टाइजमेंट होंगे, इसके साथ साथ और भी कहीं जगह होने वाले हैं, और एक स्पेस स्टेशन से दिखने वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखने वाला एक भी एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ मिला के जो धमाका होने वाला है, ये सब चीज़ मार्केटिंग के लिए है, ठीक है। और ये जो मार्केटिंग है ये सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा मार्केटिंग उतना लोग जानेंगे पहचानेंगे उतना ज़्यादा सेल जनरेट होगा, तो ये सब चीज़ होने वाला, ध्यान से बैठो, अभी कुछ ही दिन मतलब 60-70 डेज के करीब हम पहुँच चुके हैं, बहुत इंतज़ार था, अभी सब कुछ मिलने वाला है, तो बहुत खुशी का महसूस आप सब लोग कर रहे हो, कमेंट पे जानो कितना खुशी आप सभी लोगों को हो रहा है। हाँ आज शायद यही इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट मैंने बात किया, कल से अच्छा अच्छा वीडियो आएगा, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा जो मेरे पास भी है, एस सर का वीडियो इंपॉर्टेंस है देखना, बैक ऑफिस पे अपडेट आ चुका है 67 अपडेट्स में के जाके आप एस सर का वीडियो देख सकते हो, मैंने भी देख रहा हूँ, वहाँ पे बहुत चीज़ क्लियर होंगे, ठीक है, बहुत बहुत चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, और मेरे पास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल प्रोडक्ट्स या और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है कहने के लिए, तो वो मैं बाद में कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज एंड इवेंट्स वाला जो जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।